अगर आप हेल्थ, ब्यूटी, डाइट, वर्कआउट, योगासन, नेचुरल हेल्थ थेरेपी, आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल हेल्थ गाइड को। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आपने ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ज्यादा महिमा सुनी होगी। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस मुहूर्त को बहुत लाभकारी बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं कि आखिर कब शुरू होता है यह ब्रह्म मुहूर्त और यह क्यों इतना लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त रात का अंतिम पहर का तीसरा भाग होता है। धर्म शास्त्रों में नींद के त्याग का यही श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का आशय हुआ परम तत्व, मुहूर्त का आशय हुआ अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहते हैं। अमृत का आशय होता है जो जीव को अमरता प्रदान करे। बेला का मतलब होता है समय। अमृत बेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या अमरता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। अमृत बेला अर्थात वह बेला जब स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं, और उस अमृत को जो नहीं पी पाता उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, अमृत बेला से अ हटा दे तो क्या होगा, मृत बेला शेष रह जाएगा। यदि आप अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो उन्हें इस बेला में जागकर राजयोग, ध्यान और ज्ञानार्जन करना चाहिए। दोस्तों, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्य उदय के पहले के पहर में दो मुहूर्त होते हैं, उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घटी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार सुबह 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त है। दोस्तों, साधारण रूप से समझे तो सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। सही मायने में कहा जाए तो सूर्य उदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्य उदय के 4 घटी का पहले का मुहूर्त। एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट की होती है, अतः सूर्य उदय के 96 मिनट पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने का महत्व और उसके फल के बारे में। दोस्तों, सनातन परंपरा में प्रातः उठने का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है, या दूसरे शब्दों में कहें कि दिनचर्या का विशेष महत्व बताया गया है। नियम पूर्वक सुबह उठना और समय से सोना, समय से भोजन ग्रहण करना और समय से दैनिक कार्य करना सबके लिए नियम है, समय है और तौर तरीके बताए गए हैं। एक अनुशासन का दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, जो कि इंद्रियों दोषों से बचाने में सहायक होता है। इसमें आत्मचिंतन और आत्मबल बढ़ाने को भी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बड़ी महत्ता है। दोस्तों, आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जागने से दिन के आरंभ का महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कि कमल का पुष्प। बहस, नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोर से पाठ करते हैं, यह अनुचित है। चलिए अब आपको बतलाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करने चाहिए। पहला वंदन, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रार्थना और चौथा अध्ययन। वैदिक रीति से की गई वंदना सबसे उचित वंदना होती है, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। इस काल में अध्ययन से सफलता प्राप्त होती है। योग साधना के लिए यही समय सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है। अब आपको बतलाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ के बारे में।
दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के समय में जितना हो सके अपने आप को आत्म केंद्रित कर ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाना चाहिए। इस समय में किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक और धर्मनिष्ठ होकर जीवन का निर्वहन करते हैं उन पर सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से ईश्वरीय कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माना जाता है कि ईश्वर प्रातः काल सृष्टि में विचरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। दोस्तों जल्दी उठने से स्वयं को सौंदर्य बल विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अर्थात प्राण वायु की मात्रा सबसे अधिक 41% तक होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ऐसे समय में शहर की सफाई वर्जित है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यह थी जानकारी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।